हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जन्माष्टमी पे हम गए थे जेके टेंपल। तो अभी आपको दिखाते हैं जेके टेंपल का नज़ारा क्या था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी जन्माष्टमी पे, और यहाँ पे झांकी लगी हुई है 12 सितंबर तक। आप भी एक बार ज़रूर जाइएगा, देखिएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर से झांकियाँ हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी आप देखिएगा अंदर चल के। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कॉमेंट करिएगा। यहाँ पे लगी है बहुत लंबी सी लाइन मंदिर के अंदर जाने के लिए, और अभी हम एंटर कर गए हैं अंदर। और चलिए देखते हैं अभी ऊपर चल के क्या दृश्य है ऊपर का। फाइनली हम आ गए हैं ऊपर, और देखिए कितना सुंदर मंदिर का दृश्य है। लाइटिंग भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, आपको भगवान जी के दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा गाइस। तो हम आ चुके हैं अंदर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए राधा कृष्ण जी का कितना सुंदर दरबार सजा हुआ है, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए। बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। ये भोले बाबा का दरबार है, और भोले बाबा के दरबार में हरी हरी पत्तियाँ और फूलों से भी बहुत अच्छी सजावट किया गया है। और अब हम निकल चुके हैं मंदिर के बाहर, और देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। यहाँ पे झूले भी लगे हैं, झूले भी लगे रहेंगे 12 सितंबर तक। यहाँ पे भी झांकियाँ चलेंगी, तो आप भी एक बार ज़रूर आके यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं। अब चलते हैं हम लोग झांकी का दृश्य देखने। चाहते कि एक भजन पे एक नृत्य हो जाए। सबसे पहले भजन हम तभी प्ले करेंगे जब सारे लोग खड़े होंगे, सभी के दोनों हाथ ऊपर होंगे। बोलिए आज के आनंद की, आज के आनंद की। म्यूजिक, कैन वी हैव अ म्यूजिक? सारे नाचेंगे, जितनी भी टेंशन से, यकीन माने दोस्त, एक हफ्ता तब बीतेगा जब आपकी सारी टेंशन आपसे दूर हो जाएंगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की। जितना आनंद में नाच सकते उतना आनंद में नाचिएगा। डीजे सर, कैन वी हैव अ म्यूजिक? 3, 2, 1। सारे भक्त कन्हैया जी में लीन होकर झूम उठे हैं, चारों तरफ तालियों की गूंज ही गूंज है। यहाँ पे ये चार झांकियों का बहुत ही आकर्षक दृश्य है। यहाँ पे वासुदेव जी कन्हैया जी को जेल से छिपा के ले जाते हुए, और पहरेदार खड़े के खड़े ही रह गए।
और यहाँ पे देखिए कन्हैया जी माखन चुरा के खा रहे हैं, कितना ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और जब कन्हैया जी की गेंद यमुना नदी में गिर गई थी तो कन्हैया जी जब उठाने गए थे, ये वहाँ का दृश्य है, ये राधा कृष्ण का बहुत ही आकर्षक दृश्य। मंदिर के अंदर खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, हर चीज़ अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक, पानी, चाट, डोसा वगैरह हर चीज़ है। और बच्चों के लिए भी झूले हैं, बड़ों के लिए भी झूले हैं, छोटे बड़े सब इंजॉय कर रहे हैं। अब हम निकल आए हैं बाहर, तो गाइस बहुत ही अच्छा लगा जन्माष्टमी में जेके टेम्पल जाके, बहुत ही मज़ा आया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा।